फाइनली हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं। तो मार ले भाई मुझे मार ले, फ्लोटिंग आ चुकी है बाप बेटे। कहे ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिवम ब्लॉग्स। तो गाइज आज वो दिन आ गया जिस दिन हम कोटद्वार को बाय बाय बोल रहे हैं। तो गाइज कर दिया हमने चेकआउट और ये हमारी बाइक कितनी धूल लग रखी है इसमें। ये था जो होटल त्रिलोक, अच्छी थी यहाँ की, रूम अच्छा था। अगर आप कोटद्वार आओगे तो विजिट करना एक बार इधर, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको आगे। तो गाइज निकल चुके हैं हम अपने होटल से देहरादून की और तो पहले हमने इसका फ्यूल अप कराना है जितना इसमें फ्यूल होगा। ओ भाई पॉसली पॉल्यूशन तो यहीं पे कराना चाहिए। तो लेट्स गो, पहले पेट्रोल पंप रुकेंगे तब चलेंगे आगे। तो गाइस पेट्रोल पंप से हम निकल चुके हैं देहरादून की और आप लोग यकीन नहीं मानोगे मेरा सिर्फ 500 का तेल लगा, उससे मेरी टैंकी फुल हो गई। तो यार माइलेज आप सोच सकते हो कितना सही दे रही होगी मेरी बुलेट आज माइलेज। तो लेट्स मूव। तो यार वापस निकलने से पहले ब्रेक ब्रुक चेक करा रहे हैं, भाई ब्रेक चेक कर लो इसके पीछे का। तो ब्रेक ब्रुक हो चुके हैं हमारे टाइट, अब चलेंगे इधर से। गूगल महाराज की देन है, अब जहाँ गूगल महाराज ले जाएंगे वहाँ से देहरादून की ओर चलेंगे। तो बने रहिए आप भी हमारे साथ। तो गाइस निकल चुके हैं हम कोटद्वार से बाहर, जैसे कि आप देख सकते हो नजीमाबाद 25 बिजनौर 21 शायद से वही वाला रास्ता है जहाँ से हम आए थे। यार पहले वाला पैच बहुत गंदा है, तो आगे जाके देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे टाइट चेकिंग चल रही है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस निकल चुके हैं हम अब देहरादून के लिए और आप भी इंजॉय करिए अब हमारा सफर। लेके पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक को लेके बैठ जाइए हमारे चैनल के आगे। और आई होप आपको मेरे दो व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे जो मैंने कोटद्वार सीरीज़ के ढाले हैं इसको। हालांकि मैं सीरीज़ में डालूंगा, पहले मैं कोटद्वार का पहला पार्ट डालूंगा, फिर दूसरा, फिर अब तीसरा जो ये तीसरा है। तो अभी मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कराया, मैं रेगुलर 3 दिन का ब्लॉग कर रखा मैंने अभी। तो एक मैंने कल रात को एडिट कर लिया था, सुबह तक वो एडिट होके आज शाम को वो अपलोड हो जाएगा आपके लिए। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लो गाइस। निकल चुके हैं पूरे जोश पर यहाँ से हम और देखते हैं कब तक पहुँचेंगे देहरादून। बाय बाय गाइस, माता आके ट्रक देखो यार, एक दूसरे को ओवरटेक मार के पूरी रोड घेर के चल रहे भाई। और ऊपर से ये रोड ऐसे टूट रखी हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम अपने ब्लॉग में बताया था कि सबसे गंदा पार्ट मुझे यही लगा, ये वाली रोड पूरी टूट रखी है। और यहाँ से नदी देखो यार, यहाँ पुल पार बन रहे हैं और ये रोड अच्छी हो जाती तो बात ही क्या थी। अबे भाई चिकटे, अबे भाई कहाँ से ला रहे ताऊ, अबे भाई बच गए। भाई सबसे गंदी रोड हो रखी इधर की, फिर कार वो रोड तो पार हुई। और आप देख रहे होंगे ये वही वाली जगह है जहाँ पे हमने अपना सेकंड ब्रेक लिया था जिस दिन हम कोटद्वार आ रहे थे। और यहाँ पे शायद पंचायत बैठ रखी है, पंचायत गांव की। और हाँ कसम इधर की रोडें कैसे हो रखी है, कोहरा और रोडें बहुत गंदी है यार इधर की। अभी मेरी गाड़ी चल गई थी तो शायद से वो रिकॉर्ड हुआ होगा, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना कैसे दिखा सकते हैं। पर गाड़ी बहुत गंदी उछली यार, बहुत दुख हुआ, दिल में दुख हुआ जैसे वो उछली चिंता गड्ढे के बाहर। तो रुक जाओ एक पल यहां पे, बे 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 बे। यार भयंकर, यहाँ के सारे ट्रक वाले कैसे ओवरटेक कर रहे एक दूसरे को, देख थोड़ा रे क्या किसी को आ भी रहा। तो मार ले भाई मुझे मार ले, और गड्ढे तो सुभान अल्लाह, माँ कसम क्या गड्ढे हो रखे हैं इधर से। जो लोकल लोग होंगे वो कैसे रहते होंगे यार भाई साहब। कोटद्वार में तो इतनी धूप थी, हमने सोचा सही टाइम है निकलने का, यहाँ तो मौसम बदल गया, जज्बात बदल गया, जिंदगी बदल गई। वो डायलॉग याद आ गया मुझे यहाँ एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यहाँ देखो यार कोहरा ही कोहरा लग गया वापिस,
और ये शायद से कोई गांव की तरफ जा रहा होगा ये रास्ता, और जो ये रास्ता जा रहा है सीधा पकड़ेगा मेन हाईवे में। अब तो मुझे याद भी हो गया है, देख रहे हो एक बार आने से याद हो गया है। और दूर दूर तक देखो यार, जितनी दूर तक हमारी नज़र जा रही है, यहाँ गोबरों में अगर दिख रहा होगा तो जितनी दूर तक यहाँ से मैं देख रहा हूँ पूरा खेत ही खेत भाई साहब। सल्यूट यार फार्मर्स को जो दिन रात खेती करके हमारे लिए खाना पहुँचवाते हैं, हमारे लिए उगाते हैं, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें उनकी। होटल से बिना खाना खाए तो हम निकल गए थे होटल से, तो यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं तब तो आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। तो चलो तो निकल गए हम अब देहरादून की ओर। पहला ब्रेक तो हमने यही लिया था, खाना अच्छा था, अच्छा या बहुत अच्छा था खाना, पर सर्विस थोड़ी ढीली थी यार। पर कोई नहीं, राइड के बीच में ऐसा चलता रहता है, कभी सर्विस कभी कुछ, इट्स कॉमन। भाई आराम से चला ले, ये रेंज रोवर वाला भी अलग ही फाड़ रहा भाई। भाई ये रेंज रोवर वाला बहुत तेज चला रहा भाई साहब। भाई साहब हमें चलना है यहाँ से लेफ्ट राइट, लेफ्ट बोल रहा मैं, क्या हो गया है हमें। आखिरकार धूप आ ही गई, अब आएंगे ना मजे। तो फाइनली हमने हाईवे को कनेक्ट कर लिया है, अब तो यहाँ से सीधा सीधा रास्ता ही होगा मक्खन रोड, बोले तो मक्खन रोड। तो यार इस ट्रिप में दूसरी बार मेरा गोप्रो हैंग हो रहा है यार, कितना हैंग मारता है यार ये, परेशान कर दे इसने हैंग मार मार के, परेशान जिसे बोलते हैं भाई। कितना बड़ा ट्रक है ये, बाप बेटे इतने बड़े बड़े ट्रक, माई गॉड कैसे चला लेते होंगे ये इतने बड़े बड़े ट्रक। रोडिंग आ चुकी है गाइस, ऑफ रोडिंग आ चुकी है। तेज चलाना तो यहाँ पे बेकार है, अगर तेज चला रहे हो एकदम से कच्चा रास्ता आ रहा है, गिरने का डर है भाई ऐसे तो। ये देखो भाई साहब भयंकर क्या ट्रक है भाई ये, ओ भाई साहब ये बड़ी सही चीज थी बेटा, पहली बार देखा भाई मैंने ये सब चीजें। यार आई होप जल्दी बन जाए ये, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती होगी, यहाँ तो जाम जाम लगता होगा बारिश के टाइम तो, कीचड़ ही कीचड़। पर अब क्या कर सकते हैं यार, सरकार भी अपना पूरा काम कर ही रही है, तो जो समय के साथ हो रहा है चलने दो चलने दो। तो अब मैं आपको सीधा हरिद्वार ही मिलता हूँ, तो यहाँ से मैं आपको क्या दिखाऊंगा, यहाँ से पिछली बार भी जब मैं आया था तो यहीं से आए थे, अब जहाँ भी यहीं से रहे तो सीधा आपको हरिद्वार मिलते हैं। तो लेट्स गो, फाइनली फाइनली हरिद्वार हम पहुँच चुके हैं, हर हर गंगे। भाई वॉल पेंटिंग देखो यार, इतनी प्यारी वॉल पेंटिंग बना रखी, देखने का बार बार मन कर रहा है इधर। जा रहे हो दूर तुम, बहुत प्यारा चारों धाम बना रखे हैं यहाँ पे, ये केदारनाथ बाबा आगे और भी है, बहुत सारी चीजें बना रखी, भयंकर ही बोलते जिसे, ऐसी कलाकारी उत्तराखंड में बहुत चाहिए थी, हमारा उत्तराखंड बदल रहा है। यहाँ से जो देहरादून है वो है 51 किलोमीटर दूर और बद्रीनाथ है 318, ऋषिकेश 23 किलोमीटर दूर, तो अभी हमको जाना है देहरादून, तो लेट्स गो। 31 किलोमीटर दूरी है देहरादून की, तो इतना आराम से ही हो जाएगी, चिटकी बजा कर। हरिद्वार हमने कर दिया है क्रॉस, तो अब चलते हैं आगे। यार जो कोटद्वार से जो हरिद्वार तक का जो हाईवे था वो बहुत खराब था यार, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उधर, काम बन रहा है, पर देखते हैं जल्दी से ठीक हो जाए तो सही है। वहाँ के गड्ढे तो भाई यूपी के थे, जो भी कहो नजीबाबाद के गड्ढे यादगार गड्ढे रहेंगे मेरी जिंदगी के, ऐसे गड्ढे में गई ना मेरी गाड़ी, क्या बोले। इतनी देर से राइड करने के बाद एक और ब्रेक लेते हैं, हालत खराब हो गई, एक भी ब्रेक नहीं लिया था, तो यहाँ पे जरा कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तब चलेंगे आगे। चलते हैं आपसे आगे, मिलते हैं।
मेरे पाँव, तो यार रेस्ट तो हमने कर लिया, मैंने जूस जास तो पिया नहीं, चाय पी, अब थकान मिट गई है आधा घंटे बैठने के बाद। अब निकलते हैं सीधे यहाँ से, अब देहरादून की ओर। अब देहरादून में तो 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे, 15-20 मिनट का रास्ता है देहरादून का यहाँ से, तो लेट्स मूव। वेलकम टू टोल प्लाजा, थैंक यू। फाइनली इतने ट्रैवल करने के बाद अब हम अपने घर पहुँच चुके हैं। सो अब टाइम आ गया है व्लॉग एंड करने का, तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।